नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। सुशील नारायण शुक्ला ने भाजपा से छत्तीसगढ़ की प्रभारी पुरेंदेश्वरी के बयानों को कटाक्ष करते हुए कहा कि पुरेंदेश्वरी की तरफ से लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। हमारी सरकार ने 125,000 करोड़ जैसा कोई कर्ज नहीं लिया है। भाजपा की सरकार में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य पूरी तरह कर्ज में डूब गया था। हमारी सरकार ने सिर्फ 3,000 करोड़ का कर्ज लिया है, जबकि 80,000 करोड़ किसानों पर खर्च कर दिया है। पुरेंदेश्वरी एक बड़ी नेता है, उन्हें बयानबाजी करने से पहले आंकड़ों का सही से अध्ययन कर लेना चाहिए। पुरेंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं। वे बहुत बड़े पद में हैं। उन्हें राज्य में दौरा करने के पहले अपने आंकड़ों को, अपने होमवर्क को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने गलत बयानी किया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने पिछले 3 साल में 125,000 करोड़ का कर्जा लिया है। पुरेंदेश्वरी जी यह भी झूठ बोल रही हैं कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तो भाजपा सरकार ने मात्र 25,000 करोड़ का कर्जा छोड़ा था। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की सरकार को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज विरासत में दिया था और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने मात्र 30,000 करोड़ रुपये कर्ज लिया है। और हमारी सरकार ने सिर्फ 30,000 करोड़ का कर्ज लिया है और 80,000 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने सिर्फ किसानों के ऊपर खर्च किया है। तो पुरेंदेश्वरी जी को बयान देने के पहले आंकड़ों का फिर से अध्ययन करना चाहिए। और पुरेंदेश्वरी जी यह भी झूठ बोल रही हैं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बढ़ा है। पुरेंदेश्वरी जी, भ्रष्टाचार का दौर छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 से के पहले से समाप्त हो गया, जब मुख्यमंत्री को कमीशनखोरी बंद करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की मन्नतें करनी पड़ती थी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आज तक 3 साल में 3 रुपये का भी प्रमाणिक आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नान घोटाला, अंतर घोटाला, डीकेएस घोटाला, पनामा पेपर घोटाला जैसे तमाम घोटाले 15 साल में किए थे। पुरेंदेश्वरी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के लोगों को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर 3 साल में 3 रुपये का भी प्रमाणित आरोप नहीं लगा पाई है। छत्तीसगढ़ 2018 से पहले पूरी तरह भ्रष्ट कार्यकर्ताओं के सहारे कमीशनखोरी का बड़ा खेल चलता था। 2018 के बाद से कांग्रेस सरकार के आने से छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अब छत्तीसगढ़ के नेताओं पे भरोसा नहीं रहा है और यही कारण है कि पुरेंदेश्वरी छत्तीसगढ़ में नए नेतृत्व की तलाश कर रही हैं। लेकिन उनकी यह तलाश भी फिजूल की कवायद है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का लगभग हर नेता पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार, कुशासन और कमीशनखोरी में लिप्त रहा है। यही कारण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो इन नेताओं को आगे इसलिए भी नहीं करना चाहता कि कहीं आगे किए तो इनके जो कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार का काला अध्याय है 15 साल का, जनता उसे फिर से न याद कर ले। लेकिन ये मुगालते में है, जनता अभी भी भाजपा के भ्रष्टाचार, कुशासन, कमीशनखोरी को भूली नहीं है। सुशील आनंद यह भी कहते हैं नजर आए कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अब छत्तीसगढ़ राज्य के नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। वह अब छत्तीसगढ़ राज्य में नए नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं, किंतु यह भी तलाश फिजूल की कवायद है। छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों ने पिछले 15 साल में भ्रष्ट भाजपा सरकार से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। केंद्र नेतृत्व को यह भी डर है कि कहीं इन दागदार नेताओं को नेतृत्व दे दिया जाएगा तो इनके काले अध्याय के सारे पन्ने खुल जाएंगे। देखिए, एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अपराध में, विशेष तौर पर महिलाओं के साथ हुए अपराधों में पिछले 3 साल में कमी आई है। महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ दुराचार की जैसी घटनाओं की छत्तीसगढ़ में 18% और उनके साथ अत्याचार जैसी घटनाओं में 10% की कमी आई है। इसके अलावा एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या, डकैती जैसे अपराधों में भी कमी आई है। इसके अलावा एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी जैसे अपराधों में भी कमी आई है। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों को जीवन जीने के लिए भयमुक्त वातावरण देने की प्रतिबद्धता का यह परिणाम है कि राज्य में कानून व्यवस्था सुधरी है और लोगों को अपराधों से मुक्ति मिली है। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।